देश भर में दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रावण दहन के कार्यक्रम में हर देशवासी की सहभागिता देखने को मिल रही है। इस बीच राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग में 56 वर्ष पुराने श्री दशहरा कमेटी पंजाबी बाग में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहां रावण दहन से पहले लोगों के बीच भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का संदेश पहुंचाने के मकसद से सुंदर झांकियां निकाली गईं। इसके बाद बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर रावण के पुतले का दहन किया गया। वहीं मुंबई से बुलाई गई टीम द्वारा लेजर शो के माध्यम से संपूर्ण रामायण भी दिखाया गया। आयोजकों ने इस साल पटाखे का कम इस्तेमाल करते हुए लेजर शो द्वारा बच्चों को संपूर्ण रामायण दिखाने का निर्णय लिया, जिसका बच्चों के साथ साथ कार्यक्रम स्थल में बैठे हर व्यक्ति ने भरपूर लुत्फ उठाया और आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण का पुतला दहन कर कार्यक्रम को सम्पन्न किया गया। ये करीब 56 साल से तो हमारा रजिस्टर्ड है ये बॉडी और करीब परंपरा रूप से चला आ रहा है ये। जब गांव होते थे पंजाबी बाग के आसपास, आजादपुर इधर, नांगलोई इधर, जो है ना नराना, सब लोग रामपुरा, सब लोग अपने अपने गांव में छोटी लीलाएं करते थे। गांव में अपने बच्चे ही कलाकार होते थे और वो सब जो है ना यहाँ पंजाबी बाग जो सेंटर है ना हमारा, पहले यहाँ इकट्ठे होती थी सब गांव, वो अपनी सवारी निकाल के लाते थे। उसी परंपरा को हमने कायम कर रखा है, ये समझ लो हजारों वर्षों से चली आ रही है परंपरा। कई दशक सर आप लोगों ने देखे हैं। हाँ, 56 वर्ष हो गए, तो करीब 45 वर्ष तो मेरी ड्यूटी का हो गया यहाँ पर। अभी जो है ना हमने विशाल स्तर पे करी है, पर थोड़ा दिक्कत आई है जो पंजाबी बाग पुल रिंग रोड पे बन रहा है, इसके कारण जो थोड़ा बिघन हो रहा है, हमारे को जगह भी कम मिली है। परंतु इस साल हमने जो है ना पटाखों की पाबंदी लगाने के वजह से लेजर शो का हमने आयोजन किया है। हमने बम्बई से कलाकार बुलाया, बहुत बड़ा विशाल अभी लेजर प्रोग्राम होगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी करना और पूरे देश भर में भी जाएगी, हमारे टेलीकास्ट होगा हर एक टीवी पे, तो लेजर शो करवा रहे हैं हम। अपनी पंजाबी बाग की ये जो दशहरा कमेटी है, इसका निमंत्रण पर यहाँ पर रावण दहन दशहरा के कार्यक्रम में मैं यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ। और जैसा सबको बताया गया है कि लगभग 56 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन एक पीड़ा तो रहती ही है। हिंदुओं के जितने भी त्यौहार उत्सव पर्व होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें बाधा पैदा करने का काम चलता है, रोकने का काम, कानून का, संविधान का सहारा लिया जाता है। लेकिन वास्तव में अपना यह देश हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही परंपरा का ही निर्वाहन करता है और हमारी जो भी जितने भी उत्सव पर्व त्यौहार है, सामाजिक समरसता, पर्यावरण को ध्यान में रखकर, संपूर्ण समाज को साथ में लेकर, विश्व धर्म की कामना लेकर और उस प्रकार से चलने वाला है। और मुझे खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। आपके इस चैनलों के माध्यम से एक सूचना आप लोगों को जरूर मैं देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम सब ये रामलीलाएँ देख रहे हैं और रामलीलाओं का आयोजन संपूर्ण देश भर में नहीं, जहाँ पर भी हिंदू है वहाँ पर ये आयोजन होता है, लेकिन ऐसे अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी महाराज को हमको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि तो भगवान वाल्मीकि जी अगर नहीं होते तो रामायण नहीं होती, रामचरित मानस नहीं होता और राम का जीवन का चरित्र हम सब लोगों के सामने नहीं होता।